क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। तो यहाँ पे कुछ फिगर्स दी हुई है, इन फिगर में से बताएंगे कि किन की जो रोटेशन है वो मोर देन वन है। तो पहले यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, तो सर्कल में बीच में ये दो लाइनें दी हुई है, तो ये मैंने इसकी ये एग्जांपल ले ली। हमने यहाँ ये एरो जो डाल रखा है, यहाँ से रोटेशन को स्टार्ट करेंगे। तो जब इसको घुमाएंगे, यहाँ देखो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले लिए है, वन पॉइंट, यहाँ ये लाइन थी इसका टू पॉइंट, ये थ्री पॉइंट और ये फोर पॉइंट। तो रोटेशन करेंगे पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ लेके जाएंगे इस एरो को, तो ये वन रोटेशन हो गया। ऐसे ही इस एरो को अब ये एरो पे लेके जाएंगे तो ये सेकंड रोटेशन हो गया, और ऐसे ही इस एरो को यहाँ तक लेके जाएंगे ये थर्ड रोटेशन हो गया, ऐसे ही इसको और घुमाएंगे ये फोर्थ। तो जब हमने फोर टाइम घुमाया तो ये एरो अपनी पुरानी पोजीशन पे आ गया, तो इसका मतलब ये टोटल रोटेशन कितनी बार गया, फोर टाइम, तो यहाँ लिख देंगे फोर। तो नेक्स्ट है इक्विलेटर ट्रायंगल। तो इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। तो यहाँ से ये डॉट ले लेंगे, ये वन, ये टू और ये थ्री। तो यहाँ मैंने ये डॉट ले ली है वन टू और ये थ्री, और ये एरो से हम स्टार्ट करेंगे रोटेट करना। इस डॉट से यहाँ डॉट तक इसको रोटेट करेंगे तो ये वन रोटेशन हो गया। ऐसे इस डॉट से अब इस डॉट की तरफ जाएंगे, ये टू रोटेशन हो गया। ऐसे इस डॉट से अब इसको थर्ड वाली रोटेट करेंगे तो ये अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये रोटेशन कितने टाइम आया, थ्री टाइम, तो ये भी वन से ज्यादा टाइम का रोटेशन है। तो नेक्स्ट फिगर है, जब हम इसको रोटेट करते हैं तो देखते हैं कि कौन सी पोजीशन पे ये रोटेट करने पे बराबर आ रहा है। तो यहाँ से जब हम इसको रोटेट करना शुरू किया इस एरो से, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ तक अगर रोटेट करते हैं तो ये फिगर इस फिगर के साथ मैच नहीं हो रही है। तो इसको अगेन रोटेट करेंगे तो ये दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसका मतलब घुमाने पर ये किसी भी पॉइंट पे सेम फिगर नहीं आ रही थी, तो सिर्फ ये एक बार ही आई है, तो इसको लिख देंगे वन रोटेशन। ऐसे ही इस फिगर को देखते हैं, तो ये जो फिगर है वो ऐसे दी हुई है। अब इस पे भी हमने रोटेशन स्टार्ट करेंगे, ये एरो डाल रखा है मैंने, देखते हैं कि किस रोटेशन में ये फिगर इक्वल आती है। तो अगर हम इसको ऐसा घुमाते हैं तो यहाँ जो इसकी जो फिगर है वो थोड़ी से चेंज आ रही है। अगर जब ये नीचे की तरफ जा रहा है रोटेट करने पे, तो ये जो फिगर है वो इस फिगर के साथ मैच कर रही है, तो ये वन रोटेशन हो गया। ऐसे जब इसको अगेन घुमाते हैं तो ये इसके साथ वाली फिगर नहीं बन रही है, तो अगेन यहाँ पे बन रही है। तो कितनी बार ये सेम आया था, दो टाइम, तो यहाँ पे जो रोटेशन होगी वो टू टाइम्स होगी। तो अब जैसे ये वाली फिगर दी हुई है, इसको भी ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एरो डाल रखा है और यहाँ पे डॉट ले लेते हैं वन टू और ये थ्री। जब इस एरो को इस एरो के साथ लेके जाएंगे, ये वन रोटेशन है, तब भी ये फिगर सेम बन रही है। अगर इसको दोबारा घुमाते हैं तब भी ये फिगर सेम आ रही है, और जब ये एरो दोबारा घुमाएंगे तो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे रोटेशन कितने टाइम हो रही है, थ्री टाइम। तो ये जो नेक्स्ट फिगर है इसको भी देखते हैं, इसका रोटेशन कितने टाइम आ रहा है। तो ये एरो यहाँ पे है, जब इसको इस पॉइंट से यहाँ की तरफ घुमाएंगे और फिर नीचे की तरफ और यहाँ पे, तो जब ये एरो इस साइड आएगा तब भी ये फिगर सेम आ रही है, ये वन रोटेशन। अगर ऐसे घुमाते हैं तब भी ये फिगर सेम आ रही है, अगर इसको इस साइड घुमाएंगे तब भी फिगर सेम है, और तब जब ये लास्ट में घूमेगा तो ये अपनी पुरानी पोजीशन पे ये एरो आ जाएगा। तो इसका मतलब चार बार घुमाने पे ये जो फिगर है वो सेम आई, तो इसका रोटेशन कितना हो जाएगा, फोर।